हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के संबंध में। बिल्कुल सीधे सीधे और एग्जैक्ट जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी, कोई भी गोलमोल इधर उधर की बातें नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें इस समय चल रही हैं दोस्तों, जिसमें कहीं बताया जा रहा है कि 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, कहीं बताया जा रहा है कि दिवाली बाद एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अभी दोस्तों कोई भी परीक्षा तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और आपकी परीक्षा लटकने वाली है। जो कंडीशन इस समय बना हुआ है चयन बोर्ड में, इसको देखकर बिल्कुल यही प्रतीत हो रहा है कि परीक्षा आपकी लटकती हुई दिख रही है। हाईकोर्ट ने कहा था 6 सप्ताह के भीतर भीतर चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कराई जाए, लेकिन जानकारी यह निकल कर आ रही है कि अभी और डिले होगा नियुक्ति में। तो जब तक चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आएंगे, मैंने कई बार कहा है, परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं होगा। अब तो कंडीशन ये है कि अक्टूबर लास्ट तक भी चयन बोर्ड में सदस्यों के आने की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। नवंबर तक अब लग रहा है कि सदस्य आ पाएंगे। 10 के 10 सदस्यों के पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन सभी सदस्य आ जाएंगे, तुरंत नियुक्ति हुई तुरंत सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। एक एक सदस्य के आने में समय लगता है, 2-4 हो सकता है तुरंत ज्वाइन कर लें, कुछ को समय लगेगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो सभी के आने में समय लगेगा और नवंबर माह पूरा बीत सकता है इसी प्रक्रिया में। और जो लोग कह रहे थे, या मैं भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि लग रहा था कि जब हाईकोर्ट ने कहा है 6 सप्ताह के भीतर भीतर तो 15-20 अक्टूबर तक तो सदस्यों की नियुक्ति हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज 10 अक्टूबर होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं है कि कब तक सदस्य आ जाएंगे। तो अब इस साल तो परीक्षा होने के चांसेस ना के बराबर हैं, अगले साल ही उम्मीदें हैं अब। और यदि अगले साल भी फरवरी तक परीक्षा आपकी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर ये काफ़ी लंबा अटकेगा, क्योंकि मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, फिर मार्च में सेंटर मिलेगा नहीं, मार्च आपका चला जाएगा और 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब भी रिटायर हो जाएंगे। तो जहां अभी सदस्यों की नियुक्ति की बात चल रही थी, 8 अप्रैल को अध्यक्ष के रिटायरमेंट की डेट नज़दीक आ गई है। अध्यक्ष साहब ये कह रहे थे कि मैं रिटायरमेंट से पहले इस भर्ती को पूरा करवाना चाहता हूं, परीक्षा करा कर नियुक्ति वगैरह सब कुछ उनकी कोशिश थी कि 8 अप्रैल तक करा लिया जाए। यहाँ पर तो 8 अप्रैल तक परीक्षा होने की भी अब उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। तो यदि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ, जनवरी फरवरी तक, तो मार्च में एग्ज़ाम होना नहीं है और 8 अप्रैल को जब अध्यक्ष रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनकी नियुक्ति में भी 2-4 महीने लगेगा। सदस्यों में तो आप देख ही रहे कितना समय लग रहा है, फिर आपका एग्ज़ाम आराम से जाएगा जून जुलाई तक, यदि जल्दी से नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो भी। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लगकर अपनी पढ़ाई करनी है। आपकी परीक्षा आगे बढ़ती जा रही है, इसे आप पॉजिटिव रूप में भी ले सकती हैं, नेगेटिव और नेगेटिव रूप में भी ले सकते हैं। नेगेटिव में लेंगे तो आपका नुकसान होगा, पॉजिटिव में लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इस सब टेंशन को भूल कर कि कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, आप लगकर अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। मानकर चलें कि आपके पास अभी भी पूरा नवंबर महीना और दिसंबर महीना पड़ा हुआ है, अक्टूबर में जो दिन बचे हुए हैं वो तो आपके पास अभी हैं ही हैं। तो अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर को हल करिए। और टीजीटी पीजीटी की खूबसूरती ये है कि इसमें जीएस का इंटरफेयर वगैरह पूछा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके विषय के सवाल पूछे जाते हैं। टीजीटी वालों को बस एक एग्ज़ाम देना है और नौकरी आपकी लग जाएगी। पीजीटी में हालांकि इंटरव्यू भी है और सभी सवाल एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी सवाल हैं, तो आप 2-2.5 महीने में अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और यदि परीक्षा और डिले हुआ तो आप उसी को बार बार पढ़िए। नए नए किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके पास नोट्स हैं या बुक्स हैं या कहीं आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो अपने पूरे सिलेबस को जो भी आपके पास है इसका मैटर, उसी को बार बार पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि बार बार परीक्षा तारीख आगे बढ़ती रहे और आप अपने विषय के अलग अलग राइटर्स की किताबें खरीद खरीद कर पढ़ते रहें, ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप लोग लगकर अपनी पढ़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि एग्ज़ाम आपका कब होना है, किस महीने में होना है। जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई खबर मिलती है हमें, आपको तुरंत ही सूचना दे दिया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।